निशक्त बच्चों के लिए शासन की ओर से शुरू की गई एक अनूठी पहल अब रंग लाने लगी है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल में स्थापित अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक समर्पण की। जेपी अस्पताल के समीप स्थित इस संस्था के अभिनव प्रयासों ने शहर के हजारों बच्चों की बेरंग जिंदगी में उम्मीदों के नए रंग भर दिए हैं। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समर्पण के जरिए विकलांग होने से बचा लिया गया है। वहीं बहुत सारे बच्चों को इलाज के जरिए सामान्य जीवन से जोड़ने की पहल की जा रही है। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से समर्पण की स्थापना की गई थी। समर्पण द्वारा शहर के 6 साल तक के निशक्त बच्चों की पहचान कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें जो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, जिनको कोई विकलांगता है या जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं या कोई डिजीज है, कोई डिफेक्ट है, तो उसके लिए उनको यहाँ पे उपचारित किया जाता है चिन्हांकित बीमारियों के लिए। और न सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग करके उनको यहाँ लाया जाता है, बल्कि उनको जो उपयुक्त संस्था है जहाँ उनका इलाज हो सके, वो निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी कराते हैं। जो गाँव से आते हैं बच्चे, उनको हम लोग मोबिलिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमको सूचना मिलती है उन बच्चों को हम लाते हैं। और हमारी टीम्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, वो बच्चों को स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में ढूंढती है। शहर में हमारी आरबीएसके की टीम नहीं है, तो हम लोग जो बच्चे अस्पतालों में आ रहे हैं अथवा हमारे सेंटर पे आ रहे हैं या महिला बाल विकास वाले सर्वे करके छांट के ला रहे हैं, वो सारे बच्चों को हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं। निशक्त बच्चों की जिंदगी में आशा की किरण बनकर उभरे समर्पण क्लिनिक का दायरा बढ़ाकर इसे रिसोर्स सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इन बच्चों को न सिर्फ इनका परीक्षण एक क्लिनिकल उसके रूप में न किया जाके एक रिसोर्स सेंटर के रूप में बनेगा, जहाँ पे कि रिसर्च वर्क किया जा सकेगा, इनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे जाने का काम बड़े पैमाने पे किया जा सकेगा और प्रदेश भर के और दूसरी जगह के लोगों का भी प्रशिक्षण इसमें किया जा सकेगा। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।